अरे जैसे कोई खूबसूरत हिरन आती है तो आप खुश होते हैं. हाँ मैं भी होता हूँ ऑफ कोर्स. एक होता है जब क्रिकेटर्स आते हैं आप बड़े खुश होते हैं. दिल की घंटियां बजती हैं. जी बिल्कुल. लेकिन आज जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे मेहमान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर के ही लोग हैं. सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा माय ब्रदर्स मिस्टर सोहेल खान एंड अरबाज खान. अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. बहुत हमने खर्चा किया है. अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है. मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको. सोहेल भाई की फिल्म आ रही है जो उन्होंने खुद लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की है, डायरेक्ट भी की है, फ्रीक की अली. एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन का हुनर परमानेंट दिया है. खुदा ने खान खानदान को सारा टैलेंट दिया है. इन्होंने अपनी शरारत का नमूना कुछ ऐसा दिया है, घर के घर में फिल्म बना डाली और पैसा चवन्नी खर्च नहीं किया. ये बिल्कुल सही कहा आपने. सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल. मुझे तो नहीं मिले अभी तक पैसे. भाजी फ्रीकी अली इन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की है और अरबाज भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं. तो भाई ये पहले से आपने सोचा था अरबाज भाई को देना रोल या किस किस को प्यार करूं मैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख के डिसाइड किया आपने? देखो बाकी के सब जो एक्टर्स थे जी वो पैसे मांग रहे थे. अच्छा. तो जो एक्टर फ्री में आ जाए एक तो फ्री में ले लो, घर की मुर्गी दाल बराबर. अच्छा. बट हिट होने के बाद पैसे लूंगा मैं. हाँ. ये तो आपका बनता है. आपका वैसे काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई. दो साल में सुपर हिट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं. हाँ. फिर एक डेढ़ साल तक उसके पैसे गिनते रहते हैं. फिर दो तीन फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर नई फिल्म तैयार. तो भाई दबंग 3 कब आ रही है आपकी? 2018. देखा मैंने कहा था. अच्छा सोहेल भाई ने औजार बनाई जी, हेलो ब्रदर बनाई. नहीं नहीं मेरे बड़ी अच्छी फिल्म थी. हर बार अपनी फिल्म में अरबाज भाई को कास्ट करते हैं. नहीं औजार में नहीं था मैं. मैंने पहले इनको शुरुआत सलमान के साथ कराई. हाँ लेकिन उससे इक्विवेलेंट थे, संजय कपूर थे. डार्लिंग डार्लिंग संजय, लव यू टू. ऐसी बातें करते कि बाद में कवर करना पड़ता है. मैं ऐसे भाई आप आपने कभी इनको अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया, तो आपकी नजर में क्यों अच्छे एक्टर नहीं है सोहेल भाई? नहीं नहीं ये मेरी नजर में अच्छे एक्टर नहीं है. सही है लेकिन सही है. ये अच्छे इंसान है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर नहीं है. बट चक्कर ये है कि इनकी नजर में मैं भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ. ये भी फैक्ट है. नहीं नहीं यार क्या कमाल का एक्टर है. कवर करूँ? अच्छा एक बात बताओ सोहेल भाई, ये जो फ्रीकी अली है बेसिकली ये गोल्फ खेलते हुए एक शख्स की कहानी है. एक आम आदमी जो गोल्फ में बड़ा अच्छा है और किसी को पता नहीं लेकिन बाद में पता चलता है. तो ये आइडिया आपको गोल्फ खेलते हुए आया था? मुझे एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनानी थी. सो वी थॉट अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर एक बंदा जो है जो अनअज्यूमिंग है वो जाके एक अमीरों का स्पोर्ट जो बोलते ना क्या एक मिसकंसेप्शन है क्या सिर्फ अमीर और रिटायर्ड लोग गोल्फ खेलते हैं. सो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम और कैसे वो आगे बढ़ता है. अच्छा सिद्धू भाई अमीरों का खेल क्यों बोला जाता है, मतलब पैसे वालों का खेल क्यों है गोल्फ? कई गोल्फ कोर्सेज पे 4-5 हज़ार रुपए दिन का किराया लगता है खेलने का और वो जो उसका इक्विपमेंट भी है वो बहुत महंगा है. तो फिर आम आदमी कहाँ वहाँ जाके मतलब एक दिन का 4-5 हज़ार खर्च के खेलेगा. लेकिन अगर ये लत लग जाए ना तो इंसान अपनी बीवी भूल जाता है, ये पक्की बात है. एक्चुअली ये पैसे वालों को खेल इसलिए भी है ना. आप देखो एक तो इतना बड़ा किट चाहिए आपको, एक हाँ. बंदा चाहिए उसको उठाने के लिए, फिर आपने बॉल मारी, फिर एक ढूंढने के लिए चाहिए. हाँ. एक कार रखी होती है वो बैटरी वाली, उसमें बैठ के जाते हैं, देयर वाज द बॉल. पता नहीं सारा सारा दिन ढूंढते रहते हैं. तो ये एक्चुअली थोड़ा महंगा गेम है. हाँ. तो वही बड़ा महंगी आती है इसकी जो हॉकी होती है. हाँ. लोहे वाली हॉकी अंग्रेजों की गेम थी ना भाई ये, वैसे भी हाँ जी हाँ. वही कर सकते हैं ऐसे काम. इसलिए हम अभी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं. हमारे तो गेम बड़े थकाने वाले होते हैं. इंडियन गेम खो खो देख लो आप, धक्का मार के भागना है फिर उसने पकड़ना है, 15 मिनट में थकावट. अच्छा भाई सीरियसली एक क्वेश्चन है सिद्धू भाई ने कहा था पूछने के लिए. कहते हैं यार खान ब्रदर्स जब आएंगे इनसे पूछना
कि आप जब एक दूसरे की फिल्म करते हैं तो पैसे नेगोशिएट करते हैं क्या? फैमिली के लिए फिक्स रेट रखे हुए हैं आपने? आपस में बनाएंगे तो हम इतना, तो मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिसको जरूरत ज्यादा होती है उसको दे देते हैं। आइए भाई प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अच्छा, हमने भाई सुना है सलमान भाई भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे। हमने भाई को कहानी सुनाई। अच्छा, तो भाई को कहानी पसंद आई और भाई ने कहा कि मुझे भी एक रोल करना है। अच्छा, लेकिन भाई आपने कहानी सुनी है, फिल्म में ऐसे कोई रोल नहीं है जो आप कर पाओ, बिकॉज आप इतने बड़े स्टार हो, अगर आपको छोटे रोल में भी ले लिया तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। राइट। ठीक है, नहीं, वो जो निकेतन धीर के पीछे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है ना, मैं वो करूंगा। बट भाई आप वो क्यों करोगे? इसने, मैं डिस्गाइज में आ जाऊंगा, मैं एक मस्सा पहन के आ जाऊंगा। ऐसे एक मस्सा के साथ कोई नहीं पहचानेगा, और अगर कोई पहचानेगा नहीं तो फिर मैं आपको लूं क्यों? तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि वो नहीं करे, लेकिन हमको थोड़ी सी लालच तो आ गई थी कि अगर वो रोल नहीं करे तो हमें उनका नाम दे दे। जी। सो ही इज प्रेजेंटिंग द फिल्म नाउ। ओके। और इंशाल्लाह दैट वो इतने बड़े है कि अगर उनके 2% भी फैंस अगर देखने चले जाए बिकॉज ऑफ हिज नेम, हमारी निकल पड़ेगी। ट्रेलर चलाओगे आप? ट्रेलर चला देते हैं सर, पहली बार चला देंगे सर, नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉमिस आपने किया था पीछे। अरे नहीं सर, मैं चला दूंगा, अपने चैनल आवा के काट देगा मुझे। अच्छा, आपको पता है सिद्धू भाई, हाँ, अरबाज भाई ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, सोहेल भाई ने अपना, सलमान भाई ने अपना। अच्छा, एक ही घर में तीन तीन क्यों खोले? सिस्टर ने भी खोला है, सिस्टर का भी है, उन्होंने अलग से खोला है। हाँ, अलग से खोला है। तो आप सीधे क्यों नहीं खोल देते एक ही प्रोडक्शन, सलीम खान एंड सन्स? इसमें रीजन है, अभी जैसे कि इन्होंने फिल्म बनाई फ्रीकी अली, हो सकता है कि शायद ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती तो मैं इतना कॉन्सेप्ट वाइज इतना एक्साइटेड नहीं होता। जी। तो भाइयों के कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ टेस्ट हैं, तो वी डोंट लाइक टू प्रेशराइज ईच अदर कि यार अगर तुझे बनानी है, तू कन्विंस्ड है सब्जेक्ट के ऊपर तो तू बना ले। तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई है इसने, and not because he's my brother, actually he is, that's why I'm saying it. बहुत साल पहले हम लोग एक शो करते थे सोनी टीवी पे, कॉमेडी सर्कस, सोहेल भाई उसको जज करते थे। सोहेल भाई ने उस समय मुझे कहा था मैं आपको तुम्हें फिल्म में लूंगा, भाई आप ले लेते ना मैं सच्ची में फ्री में भी कर देता, बट नाउ ना आई हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ओह माय गॉड, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू, ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। अब वक्त है फिल्म फ्रीकी अली के रोमांटिक कपल को यहाँ पे इन्वाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड एमी जैक्सन। तालियां जोरदार होनी चाहिए जरा। नवाज भाई कमाल कर दिया आपने तो, आज गंद मचा दिया। नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमी वेलकम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? एकदम एकदम बढ़िया। अच्छा, ये एंट्री नॉर्मल भी करानी थी हमें ना, थोड़ा एंजॉय कराना था नवाज भाई आपको। क्या सुपर्ब लग रहे थे आप नवाज भाई, मजा आ रहा है रोमांस करके? बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। और अगर मुझे पहले पता होता है कि इतना सॉफ्ट लगता है रोमांस करने में, मैं सच बता रहा हूँ ये सारी गैंगस्टर फिल्में की है ना, मैंने कभी ना करता। वो कहते हैं कामयाबी और तारीफों के रंग में झूम रहा है ये परिंदा, आज हुनर के परों से ऊंचाइयां चूम रहा है। कितनी जल्दी बदलता है ये जमाना देखिए, पर्वत तोड़ने वाला आज हीरोइन को लेके घूम रहा है। पर्वत तोड़ने वाला आज हीरोइन को लेके घूम रहा है। मैं भी फुर गया सर, यार जीनियस यार, सीरियसली पाजी। एमी टेल मी वन थिंग, जब सोहेल भाई ने आपको फोन किया पहली बार में तो थॉट आया ही होगा कि शायद मेरा हीरो सलमान खान होगा? When I got the film of Sohail, he narrated everything to me. I wanted to work with him automatically, and that was purely for Sohail. He's a sweetheart. He's the coolest director. He really is. Very we laughed nice. Even more on set than on the show. How sweet! क्या कहा भाई? जिस शो के लिए हम आए हैं, उसका जो होस्ट जो है, वो बहुत ही dashing handsome है. Thanks a lot. मेरे से चाहे 10 एपिसोड करा लो आज।
नवाज भाई, जब भी हमारे यहाँ पे कोई स्टार्स आते हैं तो हम लोग उनको एक सवाल पूछते हैं ऐसे मजाक मजाक में कि आपने कभी सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैं नहीं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ऊपर वाले को मानते हो आप? बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो आप उनकी कसम खा के बोलिए कि आपने कभी सोचा था आपको एमी जैसी लड़की के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा? सोहेल भाई ने थैंक गॉड, मतलब हीरोइन तो दिलवाई, साथ साथ वो फॉरेनर और गाना भी गवाया। अच्छा, और डांस वांस भी किया मैंने, मतलब ये सारी उम्मीदें मुझे थी नहीं एक्चुअली, मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा ही मिल गया एक्चुअली। तो अभी कहते हैं ना, वो अभी शेर को खून मुंह लग जाता है ना जी, तो मुझे वो लग गया, मैं इसके बाद में सारी रोमांटिक फिल्में ही करूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।